उषा भाव ने कहा ही है इंकलाब का नारा देकर हमको सही मायने में इस देश में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना है। दूसरी आजादी किन लोगों से? रंग और बिल्ला से। हमको आजादी अगर मिलती है तो समझ लीजिए देश में दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, समझा कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी जनता को मेरे प्यारे इस देश के नागरिकों क्यों कहते थे। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भूल गए और इसीलिए इस प्यारे प्यारे बातों में, मीठी मीठी बातों में, बहन भाइयों के राजनीति में हम बट गए और उसी राजनीति में हम सारे बटकर कहा तो भी इन चोरों के हाथ में हमने इस देश को कुछ दिनों के लिए राजनीति की चाबी दे दी, इस देश को चलाने की राजनीति दे दी। दोस्तों, रंगा तो अपने रंग में रंगा हुआ है, लेकिन बिल्ला आज हमको सर्टिफिकेट मांग रहा है इस देश। अरे कोई गुजरात के पुलिस स्टेशन में जाके पूछे कि आप वहां पे भगोड़े करके कहे जाते हैं, पहले आप उसका सबूत दीजिए हमको कि आप इस देश के भगोड़े नहीं है, मुस्लिम नहीं है, और फिर हमको सर्टिफिकेट मांगिए कि आप देश के नागरिक है या नहीं है। दोस्तों, तो यहां पर बातें कही गई कि यहाँ पर डर का माहौल है, तुषार बहू ने भी कहा डर का माहौल तो है नहीं, क्योंकि आपके साथ में पूरा का पूरा देश सिर्फ रंगा बिल्ला जैसे मुट्ठी भर लोग छोड़कर पूरा का पूरा 1.25 करोड़ लोग मुस्लिम समाज के पीछे है। आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। मेरे जैसे युवा दोस्त आपके पीछे पूरे ताकत से इस आगे वाले हमारे आजादी के लड़ाई में आपके साथ में रहने वाले हैं। लेकिन हमको एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, जो इस देश में बांटने की राजनीति, भाई भाई में, धर्म धर्म में, समाज समाजों में बांटने की जो राजनीति चल रही है, हम जो छोटे मोटे दुकानों में बट रहे हैं, इसका फायदा जो ये राक्षस और अजगर ले रहे हैं, हमको समझना होगा और एक जगह आकर हमको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसके अंदर सभी हिंदू मुस्लिम भाई भाइयों को साथ में लड़कर ये सब हमको आजादी लड़नी है और हमको हमारी शांति, हमारे देश में अमन और प्यार, किसी को बिल्कुल धक्का ना लगे, इतना ध्यान रखते हुए हमको हमारी ये लड़ाई लड़नी है। इतना ही मैं आपको कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा।